फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पहले हमने अपना फार्माकोग्नोसी जो है उसका चैप्टर 5 हमारा चल रहा था, जिसमें से हमने कार्मिनेटिव जीआई रेगुलेटर जो है कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं थोड़ा अपने फोर्थ सब्जेक्ट की तरफ। अभी तक मैंने 3 सब्जेक्ट्स की वीडियो जो है स्टार्ट कर दी है। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, सोशल फार्मेसी के सब्जेक्ट में। तो सोशल फार्मेसी, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अब जो है फार्मेसी जो है, जो भी रिलेटेड है इनसे, जितनी भी मेडिसिन वगैरह है, अब समाज के हित में जो भी चीजें होंगी समाज से रिलेटेड होंगी अब, है ना। यानी कि पब्लिक से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है कि कौन सी मेडिसिन कौन से ट्रीटमेंट में, कौन सी मेडिसिन कैसे हम बना रहे हैं। बनाने बनाने का यहाँ पे कोई रूल नहीं है। जब फार्मास्यूटिक्स अलग सब्जेक्ट आ जाता है उसके लिए, और ड्रग की पूरी स्टडी जो है अलग, फार्माकोलॉजी आ जाती है, तो वो इसमें ऐसा नहीं है। हमें क्या इसमें फार्मेसी का रिलेशन किससे समझना है, हमें अपनी कम्युनिटी से, अपने समाज से समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये चीज पहले से डाल के रखो कि हमें क्या करना है, हमें अपनी सोशल से देखना है। सोशल में अब हम भी तो आ जाते हैं यार, अपने आप को देखो, हमारे पेरेंट्स हैं, फैमिली, आस पड़ोस हो गया, तो सबके बारे में सोचते हुए हमें इसमें फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ना है। किसके लिए? समाज के लिए। तो अब हम समाज के लिए अगर हमें फार्मेसी में देखना है, फार्मेसी को रिलेट करना है, तो कैसे कि भैया हम कैसे अपने कोई पेशेंट है ना, तो हम उसे कैसे सही दवा दें, उसे उस दवा का सही यूज बताएं कि इसको ऐसे लेनी है, ऐसे इसका तरीका है, और अगर आप इस दवा को छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, तो कैसे ठीक होंगे, और अगर आप अपने दवा को कंटिन्यू रखेंगे तो आपका इलाज जो है अच्छे से चलता रहेगा, ट्रीटमेंट एकदम इफेक्टिव होगा। तो हमें इसमें पेशेंट को अवेयर करना है। इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, अवेयरनेस कैसे करें, पेशेंट तक हम कैसे हर चीज को अच्छे से पहुंचाएं, कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाएं हम पेशेंट के हित में, सोसाइटी के हित में क्या क्या चीजें रहे, कि फार्मेसिस्ट का क्या क्या रोल हो वहां पे। तो हमें इस सब्जेक्ट में ये सब चीजें पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू जो है इसका दे दिया है। तो सबसे पहले देखो, अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, सिलेबस देखो। सबसे पहले सिलेबस का स्कोप ही यही कह रहा है कि पूरी नॉलेज देना, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज देना, एपिडेमियोलॉजी की, भाई कौन सी बीमारी, कितने पेशेंट को कौन सी बीमारी हो रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, कौन से एरिया में जो है कौन सी बीमारी फैल रही है, सब चीजों की नॉलेज की, एक मॉर्टेलिटी रेट क्या है, कितने दर से जो है मृत्यु हो रही है, कितने दर से कौन सी बीमारी से लोग मर रहे हैं, है ना, बर्थ रेट, ये सब चीजें हम अपनी सोशल फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। अदर और भी सोशल हेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ते हैं हम, ये सब हो गया, और फार्मेसिस्ट का क्या रोल होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। किसमें? सोशल फार्मेसी में। और क्या है, देखो, पब्लिक हेल्थ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कितने सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, वो सब देखने, हेल्थ से रिलेटेड फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, हेल्थ एजुकेशन क्या है, हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, फार्मेसिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब। तो इसका एक आउटकम भी निकलेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। आउटकम में हम क्या करेंगे कि वही फिर से रोल को, फार्मेसिस्ट के रोल देखना, कहाँ कहाँ पे उसका क्या रोल है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, हेल्थ हजार्ड्स में, यहाँ पे जनरल रोल क्या है, जनरल क्या है इसके, फार्मेसिस्ट के, तो ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर 1 की ओर थोड़ा फोकस करते हैं। इसमें हम सिर्फ हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है, सोशल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में भी हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन सोशल फार्मेसी की, इसका स्कोप क्या है, यही देखो स्कोप है कि सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में क्या कहाँ कैसे स्कोप है, और रोल ऑफ फार्मेसिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। अपनी इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले क्या डेफिनेशन। तो सिलेबस मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पे भी देखो मैंने लिख रखा है डेफिनेशन, स्कोप, सोशल फार्मेसी। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है यार, आराम से एकदम हर एक शब्द को समझते हुए, हर एक शब्द की भावना को देखते हुए हमें चलना है। तो सबसे पहले सोशल फार्मेसी, थोड़ा बहुत आप समझ गए तो चलो और समझ लो यार थोड़ा सा। सोशल फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी। क्या है ये? फार्मेसी की ही ब्रांच है, दैट फोकस ऑन दी सोशल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकेशन यूज एंड हेल्थ केयर। तो ये क्या करती है, फोकस करती है किस पे, सोशल एस्पेक्ट पे, जितनी भी सोशल फॉर्म है, जितने भी सोशल फीचर्स हैं, किसके कि कैसे एक मेडिसिन का यूज होगा, और कैसे हेल्थ केयर यानी कि कैसे एक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो ये सब क्या होती है, सोशल फार्मेसी के अंदर आती है। फिर उसके बाद देखो, सोशल फार्मेसी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग
हाउ सोसाइटी एंड पीपल बिहेवियर अफेक्ट द यूज ऑफ मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर. तो सोशल फार्मेसी ये समझना चाहती है, वो इस बारे में जानती है कि कैसे हम समझे कि कोई भी जो है यहाँ लोग हैं जितने भी सोसाइटी में उनका बिहेवियर क्या है, उनका कहते हैं ना कि उनका एक दवाई के प्रति क्या उनका रवैया है, कैसे उसका यूज करेंगे मेडिसिन का. भाई बहुत पेशेंट होते हैं यार जो दवाइयों से बहुत ज्यादा डरते हैं कि ये बड़ी गोली है, इतनी बड़ी गोली मैं कैसे खाऊं. इन सब चीजों को हम देखते हुए चलते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनके लिए क्या, हमने तभी तो टैबलेट जो है उसमें क्या बोलते हैं ना कि स्वीटनिंग एजेंट हमने क्यों डाल रखे हैं, पेशेंट कंप्लायंस के लिए ही तो, कि पेशेंट के लिए सही रहे, वो अच्छे से उसका यूज करे. तो यही तो है वहां, यहाँ पे देखो देखो कि हम यहाँ पे बेसिकली सोसाइटी का बिहेवियर देखेंगे अपनी मेडिसिन के लिए कि क्या है, और हेल्थ केयर कैसे की जाए उनकी, मतलब बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य का हम कैसे उनकी केयर करें, पेशेंट की सोसाइटी की ये. और एक्सप्लोरिंग द सोशल एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, की फार्मेसी प्रैक्टिस वही कि हम कैसे अपनी मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, कैसा उसका उसका एक यूज है, क्या उसका साइड इफेक्ट है. तो हमारा सब चीज जो भी हम फार्मेसी में कर रहे हैं वो सब हमारी क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस है. तो उसको हम कहाँ सोशल एस्पेक्ट के साथ हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कि देखना कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सी दवा बेनिफिशियल रहेगी, बेनिफिट किससे अच्छे से रहेगा, तो हम यहाँ पे वो सब चीजें देखते हैं. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि फार्मेसिस्ट का पब्लिक के साथ क्या इंटरेक्शन कैसा है. सोशल फार्मेसी में हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्मेसिस्ट और पब्लिक दोनों पे ध्यान देते हुए चलेंगे और इनका क्या इंटरेक्शन है. तो ये था सोशल फार्मेसी. देखो तीन तरीके से बताओ ना, तो इसमें से आपको कम से कम एक लाइन तो आप अच्छे से लिख के ही आ पाओगे, एक से ही आप रिलेट करते हुए चलो. दोनों में ही वही चल रहा है कि मेडिकेशन का कैसे मेडिसिन का यूज करें, इसको हमें समझना है, सोशल एस्पेक्ट को लेते हुए चलना है हमें, ठीक है. अब क्या देखेंगे, स्कोप देखेंगे, क्या सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है. तो देखो, सोशल फार्मेसी लुक्स एट हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस हाउ वी यूज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर. वही जो डेफिनेशन है वही उसका स्कोप है, कि हमारी सोसाइटी का क्या असर पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस है, कि कैसे जो कोई भी मेडिसिन है उसका यूज हम कैसे करें, कैसे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए केयर कर रही है, कैसे बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी है. तो वो सब चीजें हम यहाँ पे देखते हैं कि पेशेंट को सोसाइटी को देखते हुए हमें यहाँ चलना है. ये इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग पेशेंट एक्सपीरियंस, पेशेंट के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, उसका बिहेवियर ऐसा बनाना है कि वो उस मेडिसिन को यूज करे जिससे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. ये नहीं कि उसे बीच में ही उसने छोड़ दी, मेडिसिन का पूरा जो शेड्यूल था उसको फॉलो ही नहीं किया है. तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं, एक पब्लिक को अवेयर करके, सोसाइटी को अवेयर करके. तो वही है कि पेशेंट को क्या करना है, हमें इम्प्रूव एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है उसके, कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर की क्या करनी है हमें, हेल्थ केयर में अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन की, पेशेंट की जो है फार्मेसिस्ट से अच्छी बोलचाल रहनी चाहिए, उसको अच्छे से चीजें समझाए, वो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. ये नहीं कि आया कोई दवा लेने के लिए, ऐसी उसको दवा दे दी कि ले जाओ भाई सुबह शाम खानी है. अरे उसको बताओ तो कि उसको बिना खाने के खानी है या खाने के बाद खानी है या रात को सोते टाइम लेनी है. तो हमारा ये क्या होता है, एक बोलते हैं ना कि ये चीजें हमें बतानी ही बतानी होती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो यही हो गया ना कि फोकस करती है पेशेंट के एक्सपीरियंस पे, कम्युनिकेशन पे, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस की, सबका अलग अलग क्या होता है, कल्चर होता है कि लोग रहते रहन सहन कैसा है उनका, ये इन सब चीजों पे भी क्या होता है डिपेंड करता है. तो ये सब चीजें हमें समझनी होगी, हर एरिया के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, ये सब हमें देखना है. एडवोकेटिंग फॉर बेटर पब्लिक हेल्थ बाय कंसिडरिंग सोशल फैक्टर, जो सोशल फैक्टर होते हैं ना, इन्वायरमेंट के, कल्चर के, इकोनॉमिक फैक्टर, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हमें क्या करना होता है, पब्लिक हेल्थ को बेटर करना है बस. तो हमें सारी सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर की, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, पेशेंट की या पब्लिक की साइकोलॉजी कैसी है, उनका माइंडसेट कैसा है एक दवाई के प्रति, कौन सी दवाई उनको सही है, कौन सी दवा उन्हें खानी है. तो ये सब चीजें हमें यहाँ देखनी होती है. अब उसके बाद सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, कि कैसे सोशल फार्मेसी है वो एक बोलते हैं ना एक डिसिप्लिन है एक तरीके का, यानी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे भी, कि ये नहीं कि कोई भी ऐसी देख लिया भाई उसको अलग दवा दे दी, उसको गलत दवा, ऐसे कैसे चलेगा, यहाँ पे फार्मेसी में ऐसा नहीं चलेगा. तो यही क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होती है, जहां पे हम क्या एक पेशेंट को भी देखते हैं, फार्मास्यूटिकल को भी देखते हैं कि कौन सी दवा उनके लिए सही है, उस दवा का क्या साइड इफेक्ट है. तो हम चीजें सब क्या किससे रिलेट करते हैं, सीधा एट द एंड अगर हम कोई दवा बना रहे हैं तो हम एक पेशेंट को ध्यान रखते हुए, सोसाइटी को ध्यान रखते हुए ही बनाते हैं. तो वही क्या हो गया, एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड हो गई, दैट एक्सप्लोर द सोशल एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी पे क्या उसका असर पड़ रहा है, ये सब चीजें देखते हुए चलते हैं। फिर इट एग्जामिन्स हाउ सोशल फैक्टर, कि कैसे सोशल फैक्टर्स हैं जितने भी, जैसे ये देखो कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल हो गए, फिजिकल हो गया, ये सब फैक्टर हैं, ये कैसे हम देखते हैं कि कैसे पेशेंट जो है यूज कर रहे हैं मेडिसिन को, मेडिकेशन को, और कैसे अपनी ट्रीटमेंट पे अडेयर हो रखे हैं, यानी कि अड़े हुए हैं एकदम, बोलते हैं ना कि टिके रहे है ना ट्रीटमेंट पे, एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस की कैसे उनमें असर हो रहा है ओवरऑल, किसका, फार्मास्यूटिकल केयर का, है ना, जो भी मेडिसिन वो खा रहे हैं। दिस डिसिप्लिन कंसीडर कल्चरल, कल्चरल हो गया कि कैसे उनकी संस्कृति है, कैसे वो लोग रह रहे हैं, है ना, ये सब हो गया रहन सहन। और इकोनॉमिक फैक्टर भी डिपेंड करता है कि भाई कोई दवा कितनी एक्सपेंसिव है, उनके खरीद में है या नहीं, वो खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं नई मेडिसिन को, माइंडसेट कि भाई ये दवा, इसका, इस गोली का साइज ऐसा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया ना ये कि पेशेंट उसे खाएगा भी या नहीं, साइकोलॉजिकल ये सब भी हमें देखना होता है। एंड एथिकल डायमेंशन की एथिक्स भी है वहां पे या नहीं, ये सब, और इन सब चीजों को क्या करते हैं, क्यों हम ये सब कंसिडर कर रहे हैं, ताकि एक परफेक्ट सोशल आउटकम आए हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस का, आउटकम जो आए एकदम ऑप्टिमाइज हो, परफेक्ट हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सोशल फार्मेसी को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए सोसाइटी के बारे में पढ़ना भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखो थोड़ा मैंने एक ट्रिक की फॉर्म में बता दिया है सोशल फार्मेसी का स्कोप, है ना, इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, और ये पूरा ही प्रॉपर एक स्कोप है। देखो कैसे मेडिकेशन अडेयरेंस, अपनी मेडिसिन पे क्या रहना, टिके रहना, कि उसका पूरा जो शेड्यूल है उसको कंप्लीट करना, हेल्थ लिटरेसी, और उसके बाद कम्युनिटी की हेल्थ के लिए पूरी इंफॉर्मेशन देना, उसको एजुकेट करना कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है हेल्थ एक पेशेंट के लिए, तभी तो वो दवा को अच्छे से खाएगा। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट की क्या, कि अपने मतलब समाज में क्या जुड़े रहना, उनसे एंगेज रहना, कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, पॉलिसी एडवोकेसी की, भाई कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उनको, उनके बारे में देखना, किसके लिए, बेटर सोसाइटी के लिए। उसके बाद कल्चरल कॉम्पिटेंस की देखना कि हर जगह का कल्चर कैसा है, हर स्टेट के हिसाब से, तो सब चीजें किसको देखनी होती है, फार्मा वालों को, उन वही तो मेडिसिन को बना रहे हैं, तो सब देखना होता है। प्रिवेंटिव केयर कि कैसे एक डिजीज को कैसे रोका जाए, वो केयर हो गई। हेल्थ बिहेवियर चेंजेस की, कैसे एक पेशेंट का बिहेवियर कैसे बदल रहा है, तो ये सब क्या है, सोशल फार्मेसी यहाँ पे भी अपना काम करेगी। फार्माको विजिलेंस में भी इम्पॉर्टेंट है कि जा करके देखना कि भाई कौन सी मेडिसिन से क्या साइड इफेक्ट आ रहा है, उसके ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन को चेक करना, तो ये सब हो जाते हैं क्या हमारे सोशल फार्मेसी के स्कोप। तो चलिए अब इसी को थोड़ा थोड़ा दो दो पॉइंट, देखो पॉइंट वाइज बताना भी जरूरी है, ये तो एक हो गया ना कि एक की हो गई है कि आपको ये चीजें लिख के ही आनी है, अगर स्कोप आता है किसका, सोशल फार्मेसी का, इम्पोर्टेंट है ये भी काफी। देखो अब इसके बाद क्या है हमारा कि सोशल फार्मेसी वही कि बहुत ज्यादा इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इम्प्रूव करने में, किसको, पब्लिक की हेल्थ को, बाय एड्रेसिंग वेरियस सोशल डिटर्मिनेंट्स, यानी किनको, ये जो ये सारे क्या है डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हम आंकेंगे, जिन्हें हम एनालाइज करेंगे, कि तभी तो एक इन्फ्लुएंस, तभी तो उससे असर पता चलेगा कि कैसे मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं, मेडिसिन का यूज पता चलेगा इससे, और हेल्थ का आउटकम कि भाई पेशेंट उस मेडिसिन को ले भी रहा है या नहीं। तो यही सब चीजें क्या, हमें सोसाइटी से सिर्फ इतना याद रखो कि पेशेंट कैसे मेडिसिन का यूज कर रहा है, क्या उसका साइड इफेक्ट है, ये सब चीजें हमें वहां तक पहुंचानी होती है। उसके बाद मेडिकेशन अधेरेंस, यानी कि अपनी मेडिसिन पे तुम कितने दिन तक टिके रहते हो, वो ही क्या है मेडिकेशन अधेरेंस है। जब एक बोलते हैं कि एक फिजिशियन ने, डॉक्टर ने जब प्रिस्क्राइब कर दिया, एक पर्चा होता है जिसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उस पे डॉक्टर ने अगर मेडिसिन लिख दिया है, तो आप उस मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो अगर कितने दिन तक, कितनी हद तक आप फॉलो करते हैं, तो वही क्या होता है मेडिकेशन अधेरेंस होता है। तो देखो मेडिकेशन अडेयर रहना, उस पे जमे रहना, रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल्स टेक मेडिकेशन, कि कितने दिन तक वो मेडिसिन को, कितनी हद तक, कितने दिनों तक वो लेता है, एज प्रिस्क्राइब बाय देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, की जो भी फिजिशियन ने, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है। इसके अंदर क्या क्या देखते हैं वो, कि डोजेज शेड्यूल पे कंसिस्टेंसी रहना, कि उस पे कंसिस्ट करके रहना, कि यानी कि डोज का शेड्यूल है, जैसे सुबह शाम दवा लेनी है तो आपने सिर्फ सुबह ले ली, शाम को नहीं ली, फिर अगले दिन चल रहे हैं सुबह ले ली दवाई एक बार शाम को, ऐसे छोड़ना नहीं है। अगर आपके दवा पेशेंट को बताई गई है, अगर फिजिशियन ने बताया है कि दोनों टाइम लेनी है, तो जी हाँ उसको दोनों टाइम लेनी है, तो ये सब कौन
हमारा भी काम है देखना कि वो मेडिकेशन के लिए अडेयर है या नहीं। ये तो यही सब चीजें हम समझाते हैं किसको, सोसाइटी को, पब्लिक को, पेशेंट को। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन कि मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी देना कि भाई होता है ना कि पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है ना, या फिर पानी में घोल के। तो ये सब चीजें हमें बतानी होती है किसको, पेशेंट को। और इनकॉर्पोरेटिंग मेडिकेशन इनटू डेली रूटीन, डेली रूटीन में हमें उसे लेना है, मेडिसिन को लेना है, इनकॉर्पोरेट करना है, यही है इसका मतलब। उसके बाद देखो हेल्थ लिटरेसी, अभी बताया था मैंने कि हेल्थ के बारे में सारी जानकारी दो किसको, पेशेंट को, पब्लिक को, सोसाइटी को, कुछ वो बात तो एक ही है ना। तो देखो बाय एड्रेसिंग उन्हें बताना हेल्थ लिटरेसी के बारे में इश्यूज, हेल्थ लिटरेसी इश्यूज, सोशल फार्मेसी हेल्प इंडिविजुअल बेटर अंडरस्टैंड मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन की। वही यहाँ पे भी वही है कि जो सोशल फार्मेसी है वो हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि एक बेटर अच्छे से समझा सके, मेडिसिन के बारे में सारी इंस्ट्रक्शन दे और उनके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को बताए। मेडिसिन का एक तो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है जिससे उसका ट्रीटमेंट होगा तो उसकी क्योर हो जाएगी, सही हो जाएगा पेशेंट, और एक होता है हर एक मेडिसिन का अपना एक थोड़ा मोड़ा साइड इफेक्ट होता है तो वो भी, उसकी भी जानकारी देना। तो यही सब हेल्थ लिटरेसी के अंदर आ जाती है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेन की जो एक प्रिस्क्रिप्शन में पूरी दवा का जो है रेजिमेन बना के दिया है कि दिन में लेनी है इस दवा को, सुबह शाम, तो वो सब क्या है, हेल्थ लिटरेसी के अंदर आता है। लिटरेसी बोले तो वही पढ़ती कि उसे एजुकेट करना हेल्थ के बारे में बताना। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट की, कैसे फार्मेसिस्ट जो है कम्युनिटी के साथ एंगेज रहता है। सोशल फार्मेसी इन्वॉल्व्स एंगेजिंग विद किसके साथ, कम्युनिटी के साथ, कैसे एंगेज है ना, ताकि अंडरस्टैंड कर सके हेल्थ केयर नीड, क्या क्या हेल्थ के लिए नीड है और बिलीव्स क्या है उसके और प्रैक्टिसेस क्या है। तो ये हो गया कम्युनिटी एंगेजमेंट की, फार्मेसिस्ट यहाँ भी जुड़ा रहता है। उसके बाद पॉलिसी एडवोकेसी कि भाई कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है एक सोशल फार्मेसी जो है, कंट्रीब्यूट कर रही है, पॉलिसीज को बना रही है जिससे क्या हो, प्रमोट करे इक्विटेबल एक्सेस की, हर एक के पास क्या हो, एक्सेस हो मेडिसिन, हर एक पेशेंट तक पहुंच सके, इतने प्राइस हो उसका, अफोर्डेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो। तो ऐसी ऐसी चीजें, भाई मेडिसिन को क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि उसे पेशेंट जो है अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है या पेशेंट को अवेलेबल ही नहीं हो रही है। तो ये पॉलिसी एडवोकेसी हो गई। तो सोशल फार्मेसी यहाँ भी हेल्प करती है, यहाँ अच्छे से देखती है, शेप उसको है ना देती है। फिर उसके बाद कल्चरल कॉम्पिटेंस की, कैसे कल्चरल कॉम्पिटेंस हो रहा है, अंडरस्टैंड करना किसको, अलग अलग कल्चर को। हर किसी का पर्सपेक्टिव जो होता है एक मेडिसिन के लिए वो अलग अलग होता है, नजरिया जो है एक मेडिसिन के लिए कि कहीं इससे सिर्फ साइड इफेक्ट ही ना हो जाए, मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं, कितना डर रहता है, साइकोलॉजी भी पूरी डिपेंड करती है पेशेंट की। तो ये कल्चरल कॉम्पिटेंस हो गया, हर डाइवर्सिटी जो हो रही है ना, जितने भी अलग अलग कल्चर है सबको समझना सोशल फार्मेसी का काम है। उसके बाद प्रिवेंटिव केयर है कि भाई कैसे तुम प्रिवेंट कर रहे हो किसी भी डिजीज को, कैसे प्रिवेंट करना है, हम कैसे सोशल डिटरमिनेंट्स के बारे में देखें। तो हो गया ना कि सोशल फार्मेसी एक्सटेंड करती है अपना स्कोप, बढ़ती है आगे तक टू प्रिवेंटिव क्योर, प्रिवेंटिव केयर की तरफ देखना, कैसे हम प्रिवेंटिव केयर, कैसे हम रोकथाम को कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके, पहचान के और देख के, एड्रेसिंग करके, किसकी, सोशल डिटर्मिनेंट्स की, हेल्थ के जितने भी सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं सबको देखो कि जिससे बीमारी हो रही है ना, सब चीजों को डिटरमाइन करना और कैसे पेशेंट जो है अडेयर है अपनी मेडिसिन पे, ये सब चीजें देखना। तो प्रिवेंटिव केयर हो गई। उसके बाद हेल्थ बिहेवियर चेंज की, कैसे एक पब्लिक के हेल्थ के लिए उनका क्या बिहेवियर है, क्या उनका चेंज है, मतलब अलग अलग होता है भाई सबका बिहेवियर। तो फार्मेसिस्ट का काम है सब पे पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर को प्रोवाइड करे, कौन, फार्मेसिस्ट। तो सोशल फार्मेसी एक्सप्लोर करती है, अपनी स्ट्रेटजीज को बनाती है किसके लिए, ताकि असर हो, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर आए पेशेंट के अंदर। और इसमें क्या इंक्लूड करती है, मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर की, कैसे कोई पेशेंट जो है मेडिसिन को ले रहा है। तो ये भी क्या हो गया, हेल्थ बिहेवियर चेंज हो गया, किसके हाथ में, सोशल फार्मेसी का स्कोप है। तो यहाँ हर जगह पे क्या है, हम स्कोप देख रहे हैं कि कहाँ कैसे सोशल फार्मेसी, यानी कि जो सोशल एस्पेक्ट है ना, कैसे कोई मेडिसिन का यूज कर रहा है, कैसे समझ रहा है। तो ये सब फार्मेसिस्ट इन सब चीजों को देखते हुए काम करते हैं। फिर उसके बाद फार्माको विजिलेंस के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है कि सोशल फार्मेसी जो है पूरा अच्छे से मॉनिटर करती है किसको, सोशल इम्पैक्ट को देखती है, मॉनिटर करना, उसे अच्छे से जांचना, देखना मेडिकेशन का क्या असर पड़ रहा है, इज इंटीग्रल
टू सोशल फार्मेसी सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फार्माको विजिलेंस सोसाइटी के लिए, कि यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं पूरा सब कुछ, देखते हैं कि एडवर्स रिएक्शन क्या है, पब्लिक का कंसर्न क्या है उस दवा से लेकर लेकर कि ये दवा सही है या नहीं उसके लिए, भाई नहीं बहुत ही बेकार है ये तो, कड़वी है ये, खाई नहीं जा रही पेशेंट से तो इस दवा को नहीं बनाओ, ये सब चीजें, और उस पर ADR देखना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्यों देख रहे हैं, ताकि एक सेफ इफेक्टिव मेडिसिन पहुंच सके। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ हमारी फार्मास्यूटिकल्स मतलब वही जितनी भी हमारी ड्रग्स है मेडिसिन है उनको सेफली हमें देना होता है पेशेंट तक, तो हम फार्माको विजिलेंस में ये सब चीजें देखते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और टॉपिक है रोल ऑफ फार्मेसिस्ट, वहां पे भी आप यही सब चीजें लिख कर आओगे ना फार्मेसिस्ट के रोल में। अब सोशल फार्मेसी है कौन है उसके अंदर, फार्मेसिस्ट और सोसाइटी है, तो रोल भी तो यही हो गए सारे फार्मेसिस्ट के, तो यही हमें अच्छे से फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो, फार्मेसिस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ में फार्मेसिस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करके, ताकि एक विश्वास दिला के, इंश्योर करके, सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन देके। पब्लिक हेल्थ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गया भाई वो, कि वो मेडिसिन को का अच्छा एक इफेक्टिव यूज बताए, है ना, सेफ हो पेशेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है रोल बहुत। दे प्रोवाइड एजुकेशन ऑन प्रॉपर ड्रग यूजेज, कि एक मेडिसिन को कैसे यूज करना है उसकी पूरी एजुकेशन देते हैं, जो हमने हेल्थ लिटरेसी में भी देखा वही सब चीजें हो गई। दे मैनेज क्रोनिक कंडीशन, कोई बीमारी जो है लंबे समय तक चल रही है तो उसको मैनेज करना, वैक्सीनेशन को ऑफर करना ताकि पेशेंट की जो इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, वैक्सीन वगैरह होता है ना कि भाई इंजेक्शन वगैरह ये सब चीजें, कि ये दवा नहीं खा पा रहा है बेहोश है बंदा, तो क्या वैक्सीनेशन वगैरह वहां पे भी देखेंगे, है ना, इम्यूनाइजेशन बोल दिया जिसे, इम्यूनिटी के लिए है बेसिकली ये। और उसके बाद फार्मेसिस्ट आल्सो कोलैबोरेट विद हेल्थ केयर टीम, और जैसे कि उनके साथ कोलैबोरेशन में रहता है, यानी कि कंबाइंड होके किसके साथ, जैसे फिजिशियन हो गए हमारे, नर्सेज हो गए, तो सबके साथ अच्छे से कोलैबोरेशन में रहता है, जिससे क्या होता है एक परफेक्ट ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम आए, पेशेंट को अच्छे से इलाज हो उसका, और एक कम्युनिटी हेल्थ को देखते हुए प्रमोट करते हुए यहाँ पे फार्मेसिस्ट अपना रोल प्ले करता है। ये हो गया। उसके बाद देखो कितना इजी है यार, सब कुछ अपने ही बोलते हैं ना, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझाना है सामने वाले को, वही मैंने किया है इसके अंदर बस। देखो उसके बाद फार्मेसिस्ट क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करता है, प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ता है, व्यू एक बार देख लिया उसको फिर से रिव्यू, है ना, कि फिर से देखो भाई कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं मैंने कोई गलत दवा तो नहीं दे दी है, तो वो रिव्यू करता है प्रिस्क्रिप्शन को, हैंडल करेगा प्रिस्क्रिप्शन, क्यों, क्योंकि काफी कई सारी मेडिसिन जो होती हैं थोड़ा नाम उनके सिमिलर से हो जाते हैं, तो इसीलिए फार्मेसिस्ट का काम है वो अच्छे से देखे प्रिस्क्रिप्शन को और अच्छे से हैंडल करे, ये नहीं कि दो प्रिस्क्रिप्शन आए, दो पेशेंट खड़े हैं, ये उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है बदल गया है उसके से, तो ये सब चीजें हैंडलिंग का तरीका होता है कि तुम कैसे देख रहे हो ये सब इन ए प्रोफेशनल मैनर, एक प्रोफेशनल मैनर में देखे, एंड बी एबल टू चेक फॉर डोजेज, डोज रूट फ्रीक्वेंसी, तो सब कुछ अच्छे से देखे, चेक करे डोज कितनी है और डोजेज फॉर्म कौन सी है, सिरप देना है, टैबलेट देनी है, और फ्रीक्वेंसी की कितनी टाइम के लिए देनी है, ये सब चीजें कौन देखता है, फार्मेसिस्ट देखता है। उसके बाद डिस्पेंस करे प्रिस्क्रिप्शन, कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को डिस्पेंस करना, प्रिस्क्रिप्शन वाली होती है कि भाई जो एंटीबायोटिक्स हो गई जितनी भी हमारी, तो सब क्या प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, या एल्प्राजोलम वगैरह हो गई जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड, जो ब्रेन पे इफेक्ट डाल रही है, तो ये सब जैसे नींद की दवाई हो गई, ये सब तो ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो गई, उनको भी डिस्पेंस करता है, जो फिजिशियन अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्राइब करके देता है मेडिसिन को, वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो गई। एक होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल हो गया, इनो हो गया, एस्पिरिन हो गया, तो ये सब क्या होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन हो गई, डाइक्लोफिनेक हो गई, दर्द की दवा हो गई, ये सब क्या है OTC होती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, कि कोई भी जाकर के ले सकता है, जिसमें डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग, और क्या होता है देखो यार इसमें, कि पेशेंट की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, कि पेशेंट के भाई बेचारा इतना बोलते हैं ना कि भाई मेडिसिन खाए ना खाए बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है बंदा, अगर कोई बीमारी जो है काफी ज्यादा बड़ी हो गई, तो हमारा काम है पेशेंट को अच्छे से समझाना कि आप अगर इस मेडिसिन को टाइम टू टाइम लेंगे तो आपकी हेल्थ जो है बेहतर हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, तो ये हमारा काम है समझाना, एजुकेट करना पेशेंट को कि प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, कि जो मेडिसिन को, ये नहीं कि तुम इसे लेते जा रहे हो बिना डॉक्टर को दिखाए बार बार, तो ये सब हमारा काम है बताना कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डेट वगैरह हो उस पे, है ना, ये सब, और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के बारे में भी क्या करना,
एजुकेट करना पेशेंट को, समझाना ये, और ये नहीं कि भाई अगर पैरासिटामोल है, दर्द हो रहा है कहीं भी, तो ये तुम खाते ही रहो, सबका अपना एक साइड इफेक्ट है। तो हमारा काम है पेशेंट को समझाना, ये नहीं कि अपने बेनिफिट के लिए हम देते जा रहे हैं उस, और उसकी किडनी खराब हो जाए, कितना फर्क पड़ जाए। तो हमारा काम है पेशेंट को अच्छे से समझाना। फार्मेसिस्ट शुड एबल टू मैनेज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना भी आना चाहिए, है ना, अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी के हिसाब से कि कैसे एक ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तुम कैसे मैनेज कर रहे हो वहां पे सारी चीजों को, ये सब। उसके बाद फार्मेसिस्ट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट द बेनिफिट, केमिस्ट्री, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ ड्रग एंड एक्सीपिएंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। अरे वही कि फार्मेसिस्ट को इतना सही होना चाहिए कि उससे कुछ भी ना छुपाए, है ना, फिजिशियन को भी सब कुछ पता बताए कि भाई इस ड्रग का क्या बेनिफिट है, उसकी क्या केमिस्ट्री है, यानी इसमें कौन सा केमिकल यूज हो रहा है, क्या उसका एडवांटेज है और क्या उसका डिसएडवांटेज है, अच्छा क्या है उसके लिए, बैड क्या है, ड्रग का और एक्सीपिएंट दोनों का, जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज हो रही है। उसके बाद फार्मेसिस्ट शुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरियस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, की उसे अपने आप को कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन उसका कहाँ होना चाहिए, जितने भी ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स है आप पढ़ेंगे इसमें अभी अच्छे से, और जो किसको डिजीज प्रिवेंशन इनिशिएटिव्स होते हैं, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्यों होते हैं, किसी भी डिजीज को रोकने के लिए, इससे क्या हो, ताकि पब्लिक की हेल्थ इंप्रूव हो। तो ये था सारा फार्मेसिस्ट के रोल के बारे में जो हमने पढ़ा। तो एक बार देख लो आप, कि वही कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो गई, मेडिकेशन यूज के बारे में बताया, सोशल फार्मेसी के स्कोप देखे हमने, मेडिकेशन अडेरेंस के बारे में, हेल्थ लिटरेसी, कम्युनिटी एंगेजमेंट, पॉलिसी एडवोकेसी के बारे में बताया, कल्चरल कॉम्पिटेंस हो गया हमारा, प्रिवेंटिव केयर के बारे में बताया, हेल्थ बिहेवियर चेंजेस देखे, फार्माको विजिलेंस के बारे में बताया। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हमने अपना एक टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। और हाँ, ये जैसे ही ये यूनिट मैं सोचूंगी कि जल्दी कंप्लीट करा दूं, ये कंप्लीट होते ही आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हाँ अगर और भी कुछ रिमूव बोलते हैं ना कि मुझे और अच्छा करना है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। सो थैंक यू।